सिक्योरिटी फोर्सेस को पुंछ के इलाके से एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर एलिमिनेट किया है। ये सुरनकोट का इलाका है और पूरी तरह से अगर हम आपको डिटेल में बता दें तो एक जॉइंट ऑपरेशन वहां पर अभी भी चल रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी की 16 राष्ट्रीय राइफल और उसके साथ साथ 156 बटालियन ऑफ टेरिटोरियल आर्मी द्वारा इनपुट्स मिले थे उनको। और उसके बाद उस इलाके को जब कॉर्डन में लिया गया तो इमीडिएटली वहां पर जो आतंकी थे, छिपे बैठे थे, उनके द्वारा फायरिंग वहां पर शुरू हो जाती है। और ये बड़ी कामयाबी है पुंछ के इलाके से, ये जो खबर है वो आ रही है। और इसमें अब तक अगर हम आपको बताएं तो एक आतंकी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है। सुरनकोट का ये इलाका है और ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये दूरी डोक एरिया ऐसे कहते हैं सुरनकोट का, और यहाँ पर अभी भी जो एनकाउंटर है वो अंडरवे है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जोश की बात की जाए तो जोश काफ़ी हाई है। जहाँ एक तरफ ठंड पड़ रही है, आप लोग अपने घरों के बीच में सेफ बैठे हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से। याद रखिए, माइनस डिग्री सेल्सियस का भी जब टेम्परेचर होता है, जब बर्फबारी होती है, कश्मीर में जाएं, अगर हम पीर पंजाल के रेंज में जाएं, हाई ऑल्टीट्यूड्स में जाएं, तब भी सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाबी पाती है इन आतंकियों को एलिमिनेट कर। इनका जोश एकदम हाई है और इनको हम सल्यूट करेंगे। वहीं अगर कश्मीर की तरफ आएं तो कल एक दुखद खबर रही थी, जिसमें एक पुलिस की बस के ऊपर कायर आतंकियों द्वारा अटैक किया गया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरवीन किया है उसके बीच में, उन्होंने साफ ये कहा है कि पूरी तरह से इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और इसमें जो तीन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तीन आतंकियों की जो इन्वॉल्वमेंट है, उनको भी जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस वही हशर करेगी जो आज पुंछ के इलाके में किया है। और आतंकी भी वहां पर हो सकते हैं, 2 से लेकर 3 आतंकी वहां पर हो सकते हैं और एनकाउंटर जो है अभी भी अंडरवे है। और ये एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी अचीवमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जिस तरह क्लीन किया जा रहा है, जहां ये छिपे बैठे हैं वहां से इनको निकाला जा रहा है और इनका जो एक क्लीन ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द एरिया अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड्स के बीच में देखें तो फॉरेस्ट से सटा हुआ इलाका है, तो वहां पर ये जाकर छिप जाते हैं। और अब जब फॉरेस्ट के इलाके में इनको ठंड लग रही है तो ये थोड़ा डाउन साइड पर आ रहे हैं, और डाउन साइड पर जब ये आएंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो गन उठाएगा और फायर करेगा गन का, उसके साथ वही किया जाएगा जो एग्जाम्पल के तौर पर साल 2021 में लगभग 150 से ज़्यादा जो टेररिस्ट हैं उनको एलिमिनेट किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कोई लेटेस्ट अपडेट आता है वो भी जल्द आपसे साझा करेंगे।